तो नमस्कार दोस्तों, और आप सभी लोगों को हर हर महादेव। अभी एक स्कैम हो गया हम लोग के साथ। तो महादेव दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि और हम लोग पहुंच गए हैं प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में, और आपको दिखाएंगे इस महाशिवरात्रि पे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का किस तरह से श्रृंगार किया गया है। बहुत ही भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया है। तो पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में विराजमान महादेव की शिवलिंग को दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा महादेव के बारात में और हम सब शामिल होंगे महादेव के बारात में, और उसके बाद खूब मस्ती किया जाएगा। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको शिवलिंग। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को दिखाया हूँ भगवान भोलेनाथ का कितना भव्य तरीके से श्रृंगार यहाँ पे हुआ है, आप लोग देख लिए हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ भगवान भोलेनाथ के बारात में, और जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि भगवान भोलेनाथ का बारात कैसे उठाया जाता है। जैसे हिंदू रीति रिवाजों में एक बारात होती है, शादी होती है, परछौना होता है, वैसे ही सेम आज भगवान भोलेनाथ का बारात कोपागंज के ओरियाना मैदान से उठेगा और प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में उसका समापन होगा परछौने के साथ। तो दोस्तों अभी एक स्कैम हो गया हम लोग के साथ। जैसे माइक में मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद मैं सुनने के लिए उसको रिप्ले किया हूँ तो आवाज़ नहीं आ रही थी, तो बाद में पता चला है कि एक जो एयरफोन है मोबाइल से कनेक्ट है और ये बंदा लगाया हुआ था। मुझे लगा आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मैं उस वीडियो को डिलीट किया हूँ, पूछे कि वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ। उसके बाद सेकेंड वीडियो भी जब मैं देखा हूँ तो उसमें भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तब ये बंदा बताया कि मेरे में आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये स्कैम हुआ हम लोग के साथ।